सीतापुर के बेसुआ कोतवाली इलाके के मोहल्ला झज्जर में सो रहे पति पत्नी व दो मासूम बच्चों की पेट्रोमैक्स गैस के कारण दम घुटने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है भीषण ठंड से बचाव के लिए मास्टर मोहम्मद आसिफ अपनी पत्नी समेत दो मासूम बच्चों के साथ कमरे में पेट्रोमैक्स जलाकर सो रहे थे, जिसके कारण दम घुटने से मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार मोहम्मद आसिफ निवासी मोहल्ला झज्जर, जो कि पेशे से उर्दू टीचर थे और सदरपुर स्थित एक मदरसा में पढ़ाते थे, शनिवार रात वो अपने परिवार के साथ घर में सो रहे थे। रोज़मर्रा के मुताबिक देर सुबह तक उनके घर के दरवाजे नहीं खुले तो आसपास के लोगों ने उनके घर पर दस्तक दी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिस पर आसपास के लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाज़ा खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। तब उन्होंने छत के रास्ते से घर में घुसकर देखा तो अंदर मोहम्मद आसिफ और उनकी पत्नी समेत दो मासूम बच्चों के शव मिले। शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने सभी शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 9 लाइव टीवी, सीतापुर। यहाँ के निवासियों के द्वारा सूचना दी गई कि थाने पर कि यहाँ पर मास्टर आसिफ हैं, जिन उनके घर का दरवाज़ा बंद है और वहाँ पर कोई भी वो खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं, खुल नहीं रहा है। तो तत्काल सूचना पर पुलिस और वहाँ तहसीलदार साहब भी मौके पर आए और वहाँ पर दरवाज़ा जब खुलवा के देखा गया तो वहाँ पर पति पत्नी और उनके दो बच्चे अचेत अवस्था में बिस्तर पर मिले वहाँ, और एक पेट्रोमैक्स कमरे में गैस की जो है महक भी थी। पेट्रोमैक्स अच्छा। जो होता है, जो सर्दियों में लोग उसको जलाते हैं। अभी सुनो, आप तो बहन हैं उनकी? उनको तत्काल इस सूचना पर फेस कर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचे वहाँ पर हम लोग, और सभी दो बच्चे भी हैं, 2 वर्ष और 3 वर्ष के, एक बच्ची है एक और एक लड़का है, उसको उन लोग को तत्काल जो है एम्बुलेंस में हम लोगों ने बुलवाकर और CSC भिजवाया है। वहाँ पर जो भी चिकित्सकों का जो भी उसमें होगा उसके अनुसार जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। बाकी मौके पर तत्काल जो है यहाँ पर फोर्स मौजूद है और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर संबंधी समस्या किसी प्रकार की नहीं है। सर, हादसे में कितने लोगों की मौत हुई है? संभावित 4 लोग हैं, एक ही परिवार के हैं, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे हैं, और अभी फिलहाल हम लोग जब पहुँचे तो वो अचेत अवस्था में थे और संभावित है कि मृत्यु हुई है, लेकिन फिर भी पुष्ट के लिए जो है डॉक्टर ही पुष्ट करेंगे इसकी। इसके लिए हम लोगों ने तत्काल इनको EMO के पास हम लोगों ने CSC बिसुआ में हम लोगों ने भेज दिया है।